हेलो, वेलकम टू फूड एक्सपेरिमेंट। मैं हूँ सहर और आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो मैं आप लोगों की फरमाइश पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। मुझसे ये फरमाइश की गई कि फ्रेंच फ्राइज़ तो हम बहुत सारी उसकी वीडियोस देखते हैं, लोग बनाना सिखा रहे होते हैं, आप हमें जो रेड़ी के ऊपर फिंगर चिप्स मिलते हैं आप हमें वो बनाना सिखाएं। तो आज मैं आपको वही बनाना सिखा रही हूँ। उसके लिए मैंने लिए हैं आधा किलो आलू, जिसको मैंने इस तरह से फिंगर चिप्स की शक्ल में काट ली हैं। मेरे पास बड़े आलू थे, अगर आपके पास छोटे आलू भी होंगे तो तब भी आपके चिप्स बहुत अच्छे से बनेंगे। इनको मैंने पील ऑफ करके, वॉश करके, इस तरह से काट के पहले छन्नी में रख दिया था, इनका सारा पानी निकल गया था, फिर मैंने इस बाउल में डाल दिया था। लेकिन मैं इस बाउल के अंदर उसको मिक्स नहीं करूँगी चीज़ों के साथ, मैं यहाँ पर लूँगी एक दूसरा बाउल जिसके अंदर मैं ये सारे चिप्स डाल दूँगी इस तरह से। अब इसके अंदर हमें चाहिए बेसन। ये बेसन मैंने 2 प्याली के करीब लिया है, इसमें से मैं अभी आधा बेसन इसके अंदर डालूंगी। इस तरह करके पूरे के अंदर ऐसे फैलाऊंगी, अभी आधा मैंने छोड़ दिया। और साथ में मैंने लिया है नमक, मैंने 1 टेबलस्पून नमक लिया है। अगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालना चाहें तो डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून आधा किलो आलू हमें ठीक रहेगा, आप ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल लोगे तो एक अच्छे से उसका फ्लेवर नमक का अच्छा आ जाएगा। साथ में मैंने 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं, ये दोनों चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसके साथ में मैंने ली है 1 टीस्पून अजवाइन, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी लेकर इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। यहाँ मैंने लिया है थोड़ा सा पानी, जिसको मैं इस तरह से हाथ पे लेकर इसके ऊपर ऐसे डालूंगी, क्योंकि आलूओं में से भी पानी निकलता है तो हमें इतने ज़्यादा पानी की इसमें ज़रूरत नहीं होगी। इसको हम मिक्स कर लेंगे, इस तरह करके हम इसे हिला लेंगे अच्छी तरह से, ऐसे फैला के। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और बेसन डालूंगी, थोड़ा सा पानी हाथ में लेके इसको फिर से अच्छी तरह से हम ऐसे मिक्स कर लेंगे। बस यही चीजें इसके अंदर डालेंगी, अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में ऑयल रखा है, ऑयल गरम हो गया है। जब ऑयल अच्छे से गरम हो जाएगा तो हम इस चूल्हे की आंच को हल्का कर देंगे। हमने इसको बहुत तेज आंच के ऊपर नहीं बनाना, वरना सारे फ्राइज जल जाएंगे। ऑयल हमारा गरम है, अब हम इसके अंदर एक एक करके डाल देंगे। वैसे तो जो रेडी वाले होते हैं वो अपने हाथ से इसको इस तरह करके एक साथ डाल देते हैं, लेकिन क्योंकि आप घर में कुक करोगे तो उसके लिए सेफ्टी पहले इम्पॉर्टेंट होती है। स्टाइल मरने से बेहतर है कि आप ईजी तरीके से करो। फ्राइज ऑयल में डालने के बाद आप इसको 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद हम इनकी साइड्स को चेंज करेंगे, और वो भी बहुत आराम से। 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद अब हम इनको थोड़ा सा हिलाएंगे। जब ये क्रिस्पी होना शुरू हो जाएंगे तो ये थोड़े से श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे, और वही इसकी पहचान होती है क्रिस्पी होने की। तब तक हम इन्हें फ्राई करेंगे, और बार बार आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हम इन्हें अच्छे गरम ऑयल के अंदर फ्राई करते हैं। अब आप ये देख रहे हो कि ये सारे फ्राइज पहले इकट्ठे जुड़े हुए थे, जब मैंने डाले थे आपस में सब जुड़ रहे थे। अब जैसे जैसे ये फ्राई होते जा रहे हैं ये अलग अलग होते जा रहे हैं। हम थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे करेंगे, जब आप स्पून की मदद से इसको करोगे तो भी आपको फील होगा कि ये क्रिस्पी होना शुरू हो गए हैं। और बस यही स्टेज होगी इसको निकालने की। ये लीजिए, अब मैं इसको निकाल लूँगी, बिल्कुल बाजार जैसे फिंगर चिप्स रेडी हो गए हैं। ये मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं और बाकी के मेरी कढ़ाई के अंदर हैं। आप ये देखो कि बिल्कुल जिस तरह के बाजार के होते हैं उनके ऊपर एक लेयर सी आई होती है, ये बिल्कुल उसी तरह से बन गए हैं। कितने थोड़े से इन्ग्रीडियंट से और कितनी जल्दी से आप बिल्कुल बाजार वाले फिंगर चिप्स खा सकते हो, और वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरे, घर के साफ़ सुथरे ऑयल के अंदर अपने हाथों से बनाकर। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताएंगे ये कैसे बने हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियोज़ पहुँच सकें। कल फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।